हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेश कुमार आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल बिट्टा क्लास में स्वागत करता हूँ। आज हम अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। मान लो अपने पास ये एक कंडक्टर है, ठीक है। इनके पास क्या है, वायर है। ओके, ठीक है। इसका एरिया क्रॉस सेक्शन जो है वो कितना है, ए है। इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, एल इसकी लेंथ है, ठीक है। इसमें क्या है, जो करंट जा रहा है वो जा रहा है अलोंग द एक्सिस। तो ये हो गया करंट के डायरेक्शन, और करंट कितना जा रहा होगा, आई करंट जा रहा होगा। और ये रखा हुआ है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में। तो भाई ये होगी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, जो कि करंट के डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बनाती है, ठीक है। मान लिया हमने, तो मान लेते हैं, कंसीडर ए कंडक्टर ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए एंड लेंथ एल, ठीक है। ये हो गया, लेट आई करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर ओके, बी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड makes an angle theta with the direction of current, okay student। अब बात यह आएगी कि जब हमने इस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो इसके ऊपर फोर्स क्यों लगा, ठीक है। तो फोर्स क्यों लगता है इसके ऊपर, वायर फोर्स की फोर्स क्यों लगता है इसके ऊपर। तो देखिए स्टूडेंट, हम पहले ही पढ़ चुके कि जब भी कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल होता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा होता है तो उसके ऊपर क्या लगता है, मैग्नेटिक फोर्स लगता है, क्यू वी बी साइन थीटा। तो जब इस कंडक्टर के अंदर करंट जा रहा होगा, ठीक है, तो इसके अंदर भी क्या होंगे, मूविंग चार्ज पार्टिकल्स होंगे। मूविंग चार्ज पार्टिकल्स कौन होंगे, तो बोलेंगे वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स इस साइड जा रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन्स इस साइड जा रहे होंगे तो कितनी वेलोसिटी जा रहे होंगे, वी डी वेलोसिटी जा रहे होंगे। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, फोर्स लगाएगी, ठीक है। और वहीं जो फोर्स आएगा वो क्या होगा, इस कंडक्टर के ऊपर माना जाएगा, ठीक है। कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर के अंदर होंगे उन सभी के ऊपर जो टोटल फोर्स लगेगा, वही टोटल फोर्स किस पे लगेगा, कंडक्टर के ऊपर लगेगा, ठीक है। तो फोर्स कैसे निकालते हैं इस केस में, और फोर्स क्यों लगता है, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ये मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाती है। फोर्स क्यों लगाती है, क्योंकि वो मूविंग कर रहे हैं, और ये पहले क्या आ चुका कि मूविंग चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, फोर्स लगाती है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, इनसाइड कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स आर द मूविंग चार्ज पार्टिकल्स, प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। दिस मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड ए फोर्स ऑन दीज इलेक्ट्रॉन्स, द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन दीज इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू
फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर, एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। तो कहने वाला ये है कि हम क्या करेंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर टोटल फोर्स कितना लगेगा वो फाइंड आउट करेंगे, और वही फोर्स क्या लगेगा, कंडक्टर के ऊपर लगेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट एन, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, कि पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमने बोल दिया ई है, चलो एन है, चलो ठीक है। तो क्या करते हैं कि भाई हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, इस कंडक्टर में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो निकाल लेते हैं। तो कितना आएगा वॉल्यूम, एरिया इनटू में लेंथ, इसी को हम क्या बोलते हैं, एन को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, तो क्या निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, तो मैंने बोला टोटल कितने आएंगे, एन आएंगे। ठीक है, कि एक यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एन है, और वॉल्यूम कितनी है, ए एल। तो फोर्स जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए वो कितने आ गए, एन ए एल। ठीक है, इतने आ गए। अब हम लिखते हैं कि फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, हर एक इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लगेगा, तो मैंने बोला एफ लगेगा भाई। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, तो एफ कितना आता है भाई, तो मेरे पास फोर्स जो आता है वो कितना आता है, क्यू वी क्रॉस बी, फोर्स क्या आता है, वी क्रॉस बी। तो यहाँ क्यू कौन हो गया, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वेलोसिटी होगी वी डी क्रॉस बी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, माइनस का, माइनस लिखा देंगे। ठीक है, अब निकालेंगे टोटल फोर्स ऑन कंडक्टर, टोटल फोर्स ऑन कंडक्टर। तो इस कंडक्टर के ऊपर टोटल जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, जितना कि सभी इलेक्ट्रॉन से फोर्स लगेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगता है एफ, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एन। तो टोटल जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, एन इंटू एफ। ठीक है, तो एन कितने आता है, तो बोलेंगे एन ए एल आता है। ठीक है, अच्छा एफ कितना हो गया, ये वाला हो गया, तो यहाँ क्या है, माइनस लगा देंगे, ई और वी डी क्रॉस बी। ठीक है, तो ये पास आ गया टोटल फोर्स। ठीक है, अब हम थोड़ा सा करेक्शन करेंगे कि इस वाले एक्सप्रेशन को हमें लेके आना है करंट के टर्म्स में अंदर। तो हमें पता है कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन, एज वी नो। ठीक है, करंट क्या होता है, आई, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में क्या आता है, एक्सप्रेशन आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी आता है। चलो ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ भी और यहाँ भी दोनों साइड क्या करना है भाई, लेंथ से मल्टीप्लाई कर देना है, एन ई ए वी डी इंटू में एल कर दिया भाई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में, कि लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि सारी चीज़ें क्या चल रही है, वेक्टर में चल रही है, तो वेक्टर फॉर्म लिखेंगे भाई। ठीक है, यहाँ जो लेंथ होगी करंट एलिमेंट वो रहेगी वेक्टर क्वांटिटी, और यहाँ वेक्टर क्वांटिटी कौन रहेगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो लगा देंगे इनके ऊपर वेक्टर का साइन, एन ई ए एल और वी डी। ठीक है, वेक्टर फॉर्म लिख दिया, लेकिन देखा कि जो करंट है वो तो इस साइड जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इस साइड जा रहे हैं, यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो क्या करेंगे, माइनस का निशान लगा देंगे। ठीक है, तो माइनस का निशान लगाने का मतलब क्या है, कि आई और वी डी दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है ना। तो क्या लिखेंगे, नेगेटिव साइन शोज डैट आई एंड वी डी आर इन अपोजिट डायरेक्शन, आर इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, ठीक है, तो यहां देखिए स्टूडेंट, अपने पास क्या है, माइनस में एन ए एल ई और वी डी, इस पूरे की जगह हम क्या लिखेंगे, आई इंटू में एल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आई इंटू में एल। तो अपने पास जो टोटल जो फोर्स आ गया वो कितना आ गया, आई और ये आ गया एल क्रॉस बी, आई एल क्रॉस बी, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये तो क्या आ गया भाई, वेक्टर फॉर्म आ गई, क्या आ गई, वेक्टर फॉर्म। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये लेंथ है और ये बी है,
ठीक है, इन दोनों का क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा, एफ आएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जो फोर्स जो आएगा इसकी डायरेक्शन एल और बी के दोनों की आएगी परपेंडिकुलर। एल की डायरेक्शन वही होगी जो करंट की डायरेक्शन होगी, यानी फोर्स की डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन के और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के दोनों की क्या आएगी, परपेंडिकुलर आएगी। ठीक है, तो बोल सकते हैं हेयर डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज प्लेन परपेंडिकुलर टू बोथ द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। चलो अब इस केस में हम रूल कौन सा बताएंगे डायरेक्शन बताने के लिए, करंट जो फोर्स जो आएगा उसके डायरेक्शन बताने के लिए रूल कौन सा अप्लाई करेंगे। तो रूल कौन सा आएगा, तो बस ये आता है हमेशा कि राइट हैंड रूल। कौन सा आता है, राइट हैंड रूल। ठीक है, तो कैसे अप्लाई करेंगे, तो देखिए स्टूडेंट ये अपने पास क्या है भाई, करंट की डायरेक्शन है, ठीक है, और ये अपने पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और ये क्या है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो क्या करेंगे, प्लेस जैसे बोल दो रोटेट द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड, फिंगर्स ऑफ राइट हैंड फ्रॉम आई टू बी, आई से लेके बी की तरफ, ये आई हो गया और ये हो गया बी, ये हो गया बी, आई और बी, आई से लेके बी की तरफ क्या करेंगे, रोटेट करेंगे राइट हैंड की फिंगर्स को। तो जो थंब आएगा, देन थंब रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ फोर्स, रिप्रेजेंट फोर्स। ठीक है, तो इस केस में यदि हम बात करें तो भाई हमने ऐसे रोटेट किया है ना, हमने राइट हैंड की जो फिंगर्स उसको रोटेट किया कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो फोर्स कैसे आया, तो फोर्स आया प्लेन परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स, कैसे आया, प्लेन परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। तो ये जो डॉट है क्या दिखाता है, प्लेन परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। ओके, तो यदि हमें लिखना पड़ जाए फोर्स का मैग्नीट्यूड, क्या लिखना पड़ जाए, फोर्स का मैग्नीट्यूड, तो क्या लिखेंगे, बी आई एल साइन थीटा, बी आई एल साइन थीटा। ठीक है, क्रॉस हटेगा क्या लग जाएगा, साइन लग जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, तो थीटा यहाँ एंगल क्या है, एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है भाई, अब यदि करंट भाई जा रहा है इसी डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, यानी करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या हो, सेम डायरेक्शन में हो, क्या हो, सेम डायरेक्शन में हो। ठीक है, या फिर करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो, दोनों क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो जब सेम डायरेक्शन में होंगे तो थीटा कितना बनेगा, जीरो, और अपोजिट में होंगे तो एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री। तो साइन जीरो भी जीरो होता है, साइन 180 भी जीरो होता है। तो दोनों केस में जो फोर्स आएगा वो कितना आएगा, जीरो आएगा। दोनों केस में जो फोर्स आएगा वो कितना आएगा, जीरो आएगा। तो पूछ सकते हैं कि किस कंडीशन के ऊपर, करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फोर्स कितना लगेगा, जीरो लगेगा। तो उस केस में क्या बोलेंगे कि जो कंडक्टर होगा वो तो या तो करंट जा रहा होगा उसमें इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सेकंड केस डिस्कस करते हैं भाई कि यदि करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो साइन 90 आ जाएगा। 90 कितना होता, साइन 90 कितना होता, 1। तो ये हो गया 1, फोर्स कितना आएगा, बी आई एल। तो फोर्स आ जाएगा बी आई एल। तो ये वाला जो फोर्स आता है ये क्या आता है, मैक्सिमम आता है, क्या आता है, मैक्सिमम। और ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स दोनों क्या है, मिनिमम फोर्स है। ठीक है, अच्छा, जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो उस केस में फोर्स की डायरेक्शन हम कई बार फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से देते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अच्छा, ये क्या है, तो इसमें क्या आएगा, जो फर्स्ट फिंगर है, ये बताएगी सबको भाई यही होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ऐसे करते हैं कि फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर और थंब तीनों आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो यदि फर्स्ट फिंगर
रिप्रेजेंट करती हो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और सेकंड फिंगर रिप्रेजेंट करती हो करंट के डायरेक्शन, ठीक है। तब थंब जो आएगा वो रिप्रेजेंट करेगा फोर्स की डायरेक्शन, क्या बताएगा, फोर्स की डायरेक्शन, ठीक है। फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट, तो थंब जो आएगा वो क्या बताएगा, करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर फोर्स की डायरेक्शन। तो स्टूडेंट ये पूरा टॉपिक मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया है, आप इसको अच्छे से देखें, समझें और याद करने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच।